साल 2020 का सूर्य ग्रहण लग्न शुरू हो गया है। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब सूर्य अंगूठी की तरह दिखेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती हुई अंगूठी की तरह नजर आएगा। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5:49 तक यानी करीब 6 के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो लेकिन धर्म ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने अपने मायने होते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा और भारत में सुबह 9:15 से शुरू होकर 3:04 तक रहेगा। दोपहर 12:10 पर ग्रहण अपने चरम प्रभाव में होगा, जबकि सूतक ग्रहण के एक दिन पहले यानी 20 जून को रात 9:15 से ही शुरू हो गया है, जो ग्रहण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खास है क्योंकि इस ग्रहण पर मिथुन राशि में सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा की युति बनी रहेगी। इसके अलावा इसमें राहु, केतु, प्लूटो, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र वक्री रहेंगे और मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुका होगा। आपको बता दें, ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कुछ उपाय करके इस ग्रहण का लाभ लिया जा सकता है। वहीं इस ग्रहण का प्रभाव आज हम आपको बताते हैं। रविवार के दिन सुबह से सूर्य ग्रहण लग गया है। इस ग्रहण को बहुत खतरनाक माना गया है। इस ग्रहण में प्राकृतिक आपदा विपदा आएगी, साथ ही कई तरह की परेशानियां बढ़ेंगी। ये ग्रहण मिथुन राशि में राहु लगा रहा है, साथ ही बुध भी, जिसकी वजह से मिथुन राशि को काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। वहीं इस ग्रहण पर मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर है, जिसकी वजह से पानी से होने वाली बीमारियां कुछ राशियों को हो सकती है। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण को देखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वहीं इसे बिना कुछ आंखों पर पहनकर देखने से भी मना किया जाता है। इससे आपकी आंखों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें खराब भी हो सकती हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.